यहाँ से और कल तक जहाँ हम लोगों ने इसको छोड़ा था, तो अभी ये बम्पर वगैरह जो नीचे बम्पर वगैरह और साइडें जो थी इसकी कलर हो गई थी, वो उसके ऊपर बस ये अभी रफ वगैरह लगेगा और जो है इसके ऊपर जो है वो एक और कोट होगा और ये फाइनल हो जाएगा। सो अभी हाल फिलहाल जो है वो ये पोजीशन है कि अभी जो है वो काम थोड़ा सा रुका है, क्योंकि आपको पता है करोना करोना है। वो जो है वो कि चलेगा हमारा प्रोसेस, बाकी है कि ये तो कंप्लीट हो गया, अभी बाहर निकाल दिए गाड़ी। अब ठीक है, जब वो प्रोसेस शुरू होगा तो फिर उसमें कंटिन्यू हम लोग करेंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर कलर मैच करवाने, और जो कलर जानते भाई को चाहिए वो अभी जो है वो बना रहे हैं। तो मैंने बोला चलो यार यहाँ पर आए तो यहाँ का भी एक छोटा सा शॉट ले लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये कैसे कलर। बस जुनैद भाई का इंतजार था, जुनैद भाई आ गए, तो अभी बस हम लोग कलर फाइनल करेंगे, फिर पेंट शॉप जाएंगे, वहाँ पर अपना अपनी जो भट्टी है उसमें जाके देखेंगे। ये पसंद किया और इसमें थोड़ा सा हमने और इसको थोड़ा इस दोनों के बीच में लिया है ये वाला। ठीक है, यानी कि इसका और इसका बीच का जो कलर है वो निकालना है। माइनर सा ये वाला कलर इस पे थोड़ा सा रन हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो अपना जो कोट था उस कलर का जो जानदे भाई ने पसंद करा था वो अभी यहाँ से हम लोग निकालेंगे और फिर उसको जो है वो मैच करेंगे भाई पीछे से आके कंप्यूटर पे के भाई यही कोड है और इसमें क्या मैच करना है। तो जानदे भाई का जो ये वाला शेड था जो ओरिजिनल था वो थोड़ा सा डार्क था, अभी इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा ये वाला दूसरा जो लाइट शेड था वो मिलाया है, तो ये अभी रिजल्ट आया। बाकी है कि मैं आपको शॉप पर ले आके अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ हमारी लाइटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपको अच्छा सा पता चलेगा वैसे। सो अभी हम लोग अपना पेंट शॉप पे वापसी आ गए हैं और अभी जो है इस पे बेस कोट होगा, बस अभी जो है वो डायरेक्ट मैं अंदर ही जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पेंट वगैरह जो हमने फाइनल कर लिया, शेड वगैरह देख लिया, सारी चीज़ें वहाँ पर मैच करवा लिया, शेड जो भी था अभी इस पे बस ये कि बेस कोट होगा। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा नीचे का सारा काम हो रहा था, तो नीचे अब टेपिंग कर दी है, नीचे का फाइनल हो गया है बिल्कुल, तो बस ये अब टेपिंग होगी और ऊपर का सारी अपनी छत वगैरह और पूरी गाड़ी जो है वो ए टू जेड, बस अभी अस्तर डलेगा। अस्तर नहीं, इसको बेस कोट बोलेंगे क्योंकि अस्तर तो पहले ये जो डला हुआ है इसको अस्तर बोलते हैं, फिर दूसरा जो डलता है वो बेस कोट डलता है, फिर फाइनल कोट डलता है। तो बेस कोट डलता है वो देखें आप प्रोसीजर थोड़ा सा। पहला कोट जो है वो अप्लाई होगा है।
इसको जो है वो यानी कि ये सिर्फ इसलिए मारा जाता है ऊपर कोट के ताकि जो अस्तर है वो जितना कलर पीना है वो पी ले। तो अभी इसको हम गैप देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो है वो गैप देंगे। उसमें जो भी ऐसी जगहें होंगी ना जिनको पीनी होगा यानी कि शेड जो है जितना भी जाना होगा या डिम पड़ना होगा जो भी वो सारा जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और यही वाला शेड मारेंगे अभी इसके ऊपर और फिर उसके बाद भी देखेंगे अगर कलर कहीं से मिसिंग हुआ कुछ ऐसा हुआ यानी कि लाइट हो रहा हुआ कहीं से तो फिर एक शेड और लगेगा और फिर फाइनल कोड होगा। तो बस अभी यहाँ तक का जो है प्रोसीजर जो है कंप्लीट हुआ है तो मैंने बोला चलो आप लोगों को अपडेट कर दूं। चाय विद बिस्किट समझा नहीं दोबारा मैं वहां जा कर ला अल्फाबेट गोल्डन तो है। हैं तो बाकी आदिल भाई थोड़ा सा आप गाइड करें कि अभी बता दें कि भाई क्या सीन है इसका अभी क्या क्या प्रोसेस बाकी रहता है। बस अब ये इसके ऊपर रेड कलर की जो है कवरिंग मार दी है बेस कोट हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इस पे फाइनल नीपा का बेस कोट मारेंगे जो इसका फाइनल शेड है और उसके बाद इसकी ये सारी टेपिंग वगैरह हटा के इसके ऊपर हार्डनर लेकर जो है वो फाइनल हो जाएगा यानी कि। सो बस अभी जो है ये अपना रफ लगा रहे हैं इसके ऊपर जो यानी कि जो डॉट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें रफ हो जाएंगी बिल्कुल इसके ऊपर फिर फाइनल कोड लगेगा उसके बाद जो है वो लेकर वगैरह लग के जो है गाड़ी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो बस अब यहाँ से कंटिन्यू करें आप लोग देखें एंजॉय करें।
स्पीड यानी कि रेडी हो जाएगी। बस गाड़ी फिर उसके बाद रबिंग वगैरह जो भी होगी, वो जो पॉलिशिंग वगैरह होगी, वो सारा आगे का प्रोसेस है, वो तो आगे चलता ही रहेगा। लेकिन ये कि अभी पेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, बस जो है इसके ऊपर लेकर रहता है, लेकर लगेगा तो कलर थोड़ा सा और उठ के आएगा। ये अभी देखना आप बेहतरीन, ये भी आपको अच्छा सा दिख रहा होगा कलर बिल्कुल। और इसके डॉट्स वगैरह ज़रा पार्टिकल वगैरह करीब से देखें तो वो आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी जब ये पूरी तकरीबन रेडी हो जाती है तो फिर मैं और आपको दिखाता हूँ डिटेलिंग में थोड़ा सा। अभी देकर वगैरह लग जाए तो फिर और ज़्यादा सा अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो।
तकरीबन बढ़ जाएंगे अभी। और ये देख लो बिल्कुल जो लुक आया है ना भाई, वो बहुत जबरदस्त आया है। बाकी ये कि अभी आने वाले दिनों में इसको मैं बिल्कुल फाइनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरा मैं गाड़ी का इंटीरियर वगैरह एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इसकी हेडलाइट्स वगैरह भी जो है वो क्रोम पे गई हुई हैं, और सारी फॉग लाइट्स वगैरह तकरीबन सारी लाइटें जो है वो इसके क्रोम वगैरह पे और साफ सफाई के लिए गई हुई है। जब वापसी आएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस अभी इसको फाइनल दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और हम लोगों ने जो था पूरी डिटेलिंग से दिखाया, कोशिश करा कि अच्छे से आप लोगों को दिखा दें। तो जुनैद भाई अगर कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता दें, इस पे अभी क्या कोई प्रोसेस बाकी है? अभी ये गाड़ी फाइनल हो गई है। अब इसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर देंगे, हीट अप करके उसके बाद इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे। अभी बिकर जो है वो ऑन हो जाएगा हीट से, 3A के अपना जो भट्टी जो है प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद जो है गाड़ी बाहर निकलेगी और बस ये फाइनल होगा। बाकी ये हेडलाइट्स वगैरह और बाकी चीजें जो है वो आपको जानते भाई बताएंगे। जानते भाई क्या सीन है भाई, कब आ रही है? बिल्कुल, बस ये रात में गाड़ी हो सकता है बाहर निकले, मेरी तो यही कल निकले गाड़ी यहाँ से बाहर, क्योंकि जितना ज्यादा ड्राई उतना अच्छा है। उसके बाद ये है कि लाइट्स वगैरह इसकी प्रॉपर आज रात में आ जाएंगी, वो लाइट्स असेंबल भी कल होंगी, और फिर उसके 10-15 दिन बाद थोड़ी इसको सनलाइट में रखते हैं। उसके बाद इसमें दोबारा एक पॉलिश होगी, तो ये कलर थोड़ा सा और इनहेंस होगा इसके अंदर, जो हमने जो मतलब समझे जो चीज पर्ल जो डलवाया और इनहेंस हो जाएगा थोड़ा सा। ग्लास कोट भी होगी, ग्लास कोट से तो ऐसा हो जाएगा जैसे पानी की ये प्लास्टिक कोटिंग की लेयर हो जाती है, सही। वो एक ग्लास कोट हो जाएगा, ग्लास कोट जैसा। सो अभी जो है रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो भाई जब अब ज्यादा जब इसे पॉलिशिंग वगैरह होगी और सारी चीजें जब इस पे अप्लाई होंगी, तो फिर बिल्कुल ही ये गाड़ी जो है वो निखर के आएगी बाहर। तो अब जो है बस आपको फाइनल एक वीडियो मिलेगी इसके एंड में, और जो है वो बहुत ही जबरदस्त, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, और उसमें आप लोग बताना कि भाई क्या कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और उसमें अगर आप लोगों को और किसी गाड़ी की वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and Allah Hafiz. I think it all came back when I was looking.